हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाडो फिजिक्स बाय वीके। तो आज हम करेंगे सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर 7.5। लाइट बल्ब एंड ओपन कॉइल इंडक्टर आर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स थ्रू अ की एज शोन इन फिगर, है ना। बल्ब हो गया, ये हो गया इंडक्टर। टू स्विच इज कनेक्टेड एंड आफ्टर सम टाइम एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन टू द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर, द ग्लो ऑफ बल्ब विल इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन सेम, है ना। ये चीज़ लिखी है आपको। देखो पहले तो बल्ब का जो है कैसे इंक्रीज होगा, रिड्यूस होगा, कैसे क्या है। तो आरएमएस करंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो वी आरएमएस आपका हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, है ना। अब आयरन रोल आपने एंटर करवाया तो इसका एक्सएल क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, तो उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है ना। तो देखो यहाँ पे, तो ये चीज़ देख लो, एक्सएल आपका क्या हो जाएगा। तो एक्सएल आपका हो जाएगा ओमेगा इनटू एल, है ना। और L आपका जो होगा, L इक्वल होता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई L। तो आपका L, सीधी सी बात है, L बढ़ेगा तो XL क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब XL बढ़ गया, ठीक है, XL बढ़ गया तो रेशियो Z जो पूरा, ये जो Z है, Z क्या होगा, है ना, ये Z जो पूरा बढ़ेगा, है ना, Z बढ़ेगा। अब ये चीज़ बढ़ी तो ये क्या होगी, कम होगी, है ना। IRMS क्या होगा, कम होगा। अब IRMS का कम होगा तो हमें पता है कि बल्ब की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, लोअर इंटेंसिटी होगी। तो ये क्या आएगा आंसर, सिंपल इसका डिक्रीज, है ना। ये हो गया सॉल्यूशन। वीडियो को लाइक करो और करो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।